हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एफडी कम्युनिकेट। एफडी कम्युनिकेट में आप सबको स्वागत है। अभी तक जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। इस चैनल में आपको सारे पैन कार्ड का फॉर्म फिलअप और पैन कार्ड कैसे बनाते हैं, फ़ोटो कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन, मोबाइल, इंटरनेट सबका वीडियो इस चैनल पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये चैनल को आप फॉलो करते रहिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है। तो आज वीडियो का जो सब्जेक्ट है, पासपोर्ट फ़ोटो कैसे बनाना है, ठीक है। आजकल बहुत सारे रिटेलर और दुकानदार जो है, सबके पास बढ़िया बढ़िया स्मार्टफोन है, तो वो अपने स्मार्टफोन से फ़ोटो खींच के डायरेक्टली फ़ोटोशॉप पर फ़ोटो लेके फ़ोटो बना सकते हैं, ठीक है, और अच्छे खासे पैसा कमा सकते हो। तो कैसे फ़ोटो को आप बना सकते हो, जिसको फ़ोटो बनाना आते नहीं है, वो आप वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहिए। ये बहुत ही ट्यूटोरियल वीडियो है कैसे फ़ोटोशॉप बनाना है। अगर आपके पास कोई कैमरा है तो कैमरा से फ़ोटो खींच के आप कंप्यूटर पे बना सकते हो। अगर कैमरा नहीं है तो एंड्रॉयड फ़ोन से फ़ोटो को आप खींच लीजिएगा। एंड्रॉयड फ़ोन से फ़ोटो को खींच के आप अपने कंप्यूटर पर ले लीजिए डाटा केबल से, और लेने के बाद फ़ोटोशॉप में डाल के फ़ोटो को बना लीजिए। तो कैसे ये सब काम होता है आप शुरू से लेकर देखते रहिए। तो चलिए, मैंने एक फ़ोटो खींचा। पहले हम एडोब फोटोशॉप 7.0 वर्सन जो है वो खोल लिया। खुलने के बाद अभी हम फ़ोटो को यहाँ पर लाएंगे। कौन फ़ोटो? जो फ़ोटो हम ये पासपोर्ट फ़ोटो में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। तो चलिए, फाइल पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो ओपन वाला ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद जो फ़ोटो को हम बनाना चाहता हूँ, यही फ़ोटो को हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर ओपन कर देता हूँ। चलिए देखिए, ये फ़ोटो अभी यहाँ पर ओपन हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, पासपोर्ट फ़ोटो जो मैंने मोबाइल से खींचा है वही फ़ोटो अभी फ़ोटोशॉप पर आ जाएगी। ये देखिए, ये फ़ोटो आ गया। अभी इस फ़ोटो का जो साइज़ है, ये साइज़ को पहले आपको ठीक करना है। तो साइज़ को ठीक करने के लिए ये वाला जो ऑप्शन आप देख रहे हैं क्रॉपिंग का, ठीक है, ये क्रॉपिंग वाला ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही इसका जो मेजरमेंट है, ये देखिए ऊपर में लिखा है 2.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। एक्चुअली पासपोर्ट फ़ोटो का साइज़ हमेशा ऐसा ही होता है, 2.5, 3.5, और रेजोल्यूशन हमेशा 300 रखना है। और यहाँ पे जो ऑप्शन है पिक्सेल इंच, ये वाला ऑप्शन को रहने दीजिए। और भी ऑप्शन है पिक्सेल सेंटीमीटर, इसको मात सिलेक्ट कीजिए। अभी इसको हम क्रॉप कर लेंगे। कैसे क्रॉप करेंगे? ये जो क्रॉप वाला बटन है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया और साइज़ तो पहले मैंने सेट कर लिया, अभी इसको हम क्रॉप कर लेंगे। आपका माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है, लेफ़्ट क्लिक आप दबा के रखिए और फोटो का ऊपर आहिस्ते आहिस्ते आप ये माउस को आप दबा के रखिए। अभी ये देखिए, फ़ोटो का साइज आ गया है। अभी जो एरो बटन है, आपका कंप्यूटर का जो कीपैड में जो एरो बटन है, एरो बटन से आप चारों तरफ मेजरमेंट देख लीजिए। मेजरमेंट देखने के बाद यहाँ पे जो राइट वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद ये देखिए, इसका साइज आ गया है। तो इसको अभी सेव करना है। सेव करने के लिए क्या करना है? कंट्रोल एस करके आप सेव कर सकते हो, या तो फिर यहाँ पे फाइल में जाके सेव जो ऑप्शन है, ये सेव वाला ऑप्शन पे आप सेव कर सकते हो, ठीक है। तो सेव कर दिया। इस फोटो को अभी हम यहाँ से हटा देंगे, फिर दोबारा इस फोटो को हम ओपन करेंगे। तो कहाँ पे है ये फ़ोटो? ये डेस्कटॉप पर है, ठीक है। चलो फाइल में चलता हूँ, ओपन पे चलता हूँ। ये देखिए फ़ोटो, पहले फ़ोटो का साइज़ कितना बड़ा था, अभी फ़ोटो का साइज़, पासपोर्ट साइज़ आ गया है। अभी ये बैकग्राउंड को चेंज करना है। बैकग्राउंड को कैसे चेंज करना है? हमेशा बैकग्राउंड आप सफ़ेद भी रख सकते हो, नीला भी कर सकते हो, रेड भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, जो आपका मर्जी है वो कर सकते हो। बट हमेशा ख्याल रखना कि फ़ोटो का जो कलर है, उनका साड़ी का या तो फिर पैंट का, शर्ट का जो कलर है ना, उस कलर के हिसाब से आपको बैकग्राउंड कलर चूज करना है, तभी फ़ोटो दिखने में अच्छे लगेगा। तो चलिए, इसका फ़ोटो का बैकग्राउंड में ये कलर दे दूँगा। तो ये वाला जो कलर आप देख रहे हो, ये कलर को हम यहाँ पे भी दे देंगे। तो इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो कलर है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद ये देखिए, ये कलर आ गया है। अभी इस कलर को थोड़ा सा फीका करना चाहते हो तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अभी ये बैकग्राउंड कलर को हम चेंज करूँगा। कहाँ से? ये वाला जो आप देख रहे हो, इस बटन का ऊपर क्लिक कर दीजिए, इस टूल का ऊपर,
ठीक है, इस टूल के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे हम लेफ़्ट क्लिक कर दिया। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद ये सारे बैकग्राउंड सिलेक्ट हो गया है। अभी अपना कंप्यूटर में जो डिलीट बटन है, डिलीट बटन को आप दबा दीजिए। दबाने के बाद देखिए ये फ़ोटो का जो बैकग्राउंड कलर है ये ऑटोमेटिकली हट गया है। ठीक है, अभी ये जो पूरा नील ब्लू कलर है इसको हम थोड़ा सा फीका करना चाहता हूँ। इसके लिए क्या करना है, ये जो आप देख रहे हो ये इसके ऊपर क्लिक करना, पेंट बाकेट, पेंट बाकेट टूल्स, इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे लेफ़्ट क्लिक दबा दिया, बस ये कलर थोड़ा सा फीका हो गया। अभी इस फोटो को हम पूरा क्लियर करेंगे। ये जो मुंह में देखिए स्पॉट है, हाँ, ये फ़ोटो का पूरा स्पॉट हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे जो जूम वाला ऑप्शन आप देख रहे हो फोटो के ऊपर, ये छोटा बड़ा करोगे तो जूम, जूम आउट, जूम इन होगा, तो इसको हम जूम आउट कर लेता हूँ। क्योंकि इसका जो ये देखिए ये बालों का साइड में सफ़ेद सफ़ेद कुछ ये लकीर आ गया है, इसको हटाना है। तो इसके लिए क्या करना है, ये जो इरेजर वाला टूल है इसके ऊपर आप क्लिक कर लीजिए। ये जो देखिए इरेजर टूल, इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक कर दीजिए। अभी इसको हम हटा देता हूँ। ये देखिए इरेजर टूल से हम इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए ये क्लियर हो गया। इस तरह आप भी फ़ोटो को ये चारों तरफ जो भी लकीर है, स्पॉट है, ये सारे आप क्लियर कर सकते हो इरेजर टूल से। तो इरेजर टूल से हम क्लियर कर रहा हूँ, बस हो गया। अभी कंट्रोल एस दबा के इसको सेव कर दिया। ये देखिए इनका मुंह, चेहरे पे बहुत सारे स्पॉट है। ठीक है, इसको हटाना है। कैसे हटाना, ये वाला टूल जो आप देख रहे हो हेलिंग ब्रश टूल, हेलिंग ब्रश टूल का ऊपर क्लिक कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे दोनों टूल है, एक है हेलिंग ब्रश टूल और एक है पैच टूल। ये दोनों टूल का काम ही है ये स्पॉट को हटाना। तो चलिए हेलिंग ब्रश टूल से आपको दिखाता हूँ। इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक किया। लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपका कंप्यूटर में जो ऑल्ट वाला ऑप्शन है, ऑल्ट ALT, उसको आप दबा के रखिए। और माउस का जो लेफ़्ट क्लिक, वो लेफ़्ट क्लिक क्लिक ऑप्शन को आप एक साथ दबाइए। ऑल्ट और माउस का लेफ़्ट क्लिक एक साथ दबा के रखिए और जो स्पॉट है उस स्पॉट को ऊपर आप क्लिक कर दीजिए। ये देखिए स्पॉट हट गया, ये स्पॉट आ गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया। चलो ये नीचे जो हेलिंग पैच टूल है इसको इस्तेमाल करता हूँ। कैसे इस्तेमाल करना है, ये देखिए आंखों का नीचे जो थोड़ा सा ये काला वाला ऑप्शन है इसको हम हटाना चाहता हूँ। तो इसका हम मार्किंग कर लिया। मार्किंग करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे लाया, देखिए चल गया। अभी इसको भी हम हटाना चाहता हूँ। इसके ऊपर क्लिक किया, बस इसको छोड़ दिया। ये देखिए ठीक है, इस तरह पूरा फोटो का आप क्लियर कर सकते हो हेलिंग ब्रश टूल से। मैं पूरा फ़ोटो को क्लियर कर रहा हूँ। ये देखिए ये जो स्पॉट है, स्पॉट को मैं एक एक करके हटा रहा हूँ। ठीक है, इस तरह फ़ोटो को पूरा आप क्लियर कर सकते हो। ये देखिए स्पॉट आहिस्ते आहिस्ते सब मिटा रहा हूँ। ठीक है, अब लास्ट तक फ़ोटो को देखते रहिए किस तरह फ़ोटो को मैं क्लियर कर रहा हूँ सारे फ़ोटो को। ये देखिए इनका चेहरे पर जितने भी स्पॉट था ये मैक्सिमम स्पॉट ये हट गया है अभी। ठीक है, ये देखिए ये हेलिंग ब्रश टूल जो है उस टूल से मैंने ये इसका जो ये था हटा दिया। तो चलिए कंट्रोल एस दबा दिया। आप पहले का फ़ोटो देखिए, अभी देखिए ये फ़ोटो क्लियर करने के पहले क्या था, अभी क्या हुआ। फिर भी काम अभी बाकी है। अभी इस फ़ोटो को हम थोड़ा सा क्लियर और ब्राइटनेस करूँगा। इसके लिए क्या करना है, आपको कंट्रोल एम दबाना है। कंट्रोल और एम, कंट्रोल एम दबाने के बाद यहाँ पे एक नया ऑप्शन खुल के आएगा। अभी इस फ़ोटो का ब्राइटनेस बढ़ाने के लिए क्या करना है, देखिए इमेज ऑप्शन पर जाना है, क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर एडजस्टमेंट के ऊपर क्लिक कीजिए और नीचे देखिए कर्व, कर्व वाला जो ऑप्शन है कर्व्स, इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये थोड़ा सा इसको ऊपर में ऐसा कर दीजिए। ये देखिए थोड़ा सा लाइट बढ़ गया है, इसको ओके कर दीजिए। अभी ये फोटो का जो चेहरे का जो कलर है इसका अगर थोड़ा सा और ये ग्लॉसी करना चाहते हो, ब्राइटनेस करना चाहते हो, तो इसके लिए यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद जो डॉग टूल है इसके ऊपर लेफ़्ट क्लिक करना। लेफ़्ट क्लिक करने के बाद ये साइज़ को थोड़ा सा बढ़ा लीजिए।
बढ़ाने के बाद ये देखिए इसके चेहरे के ऊपर मैं ये पूरा चेहरे के ऊपर लेफ्ट क्लिक दबा रख दबा के इसको हम क्लियर कर दिया। अभी कंट्रोल एस दबा दिया। चलो ये देखिए इसका बालों का जो कलर है ये कलर थोड़ा सा सफ़ेद हो गया, इसको कैसे हम फिर ब्लैक करेंगे। और इनका जो साड़ी का जो कलर है ये कलर भी थोड़ा सा फेड हो गया, ये कलर को कैसे फिर हम लाएंगे देखिए। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा फ़ोटो को जूम आउट करता हूँ। यहाँ से जूम आउट करने के बाद यहाँ पे देखिए इसका ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद जो हिस्ट्री ब्रश टूल है इसके ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये राउंड ऑप्शन को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ। ये जो सिंदूर का कलर है ये देखिए ये लाल हो गया, ये बिंदिया जो है लगाया है इसके ऊपर क्लिक किया, ये देखिए कलर आ गया है। ये आँखों का कलर थोड़ा सा सफ़ेद हो गया, इसको भी काला कर दिया। ये देखिए इनका काम ही है जो ओरिजिनल कलर इसका था वो कलर फिर दोबारा आ जाएगी। ठीक है, ये बालों का कलर देखिए फिर पहले जैसे था फ़ोटो खींचने के टाइम, ये बालों का कलर ऐसा ही आ जाएगा। ये देखिए ये बालों का कलर फिर ऐसे ही हो रहे हैं। ठीक है, पहले ऐसा ही था। अगर फिर भी बालों का कलर बिल्कुल काला करना चाहते हो तो उसके लिए भी एक टूल्स है, कैसे क्या करना है दिखाता हूँ। अभी जो साड़ी का कलर है वो कलर मैं फिर दोबारा ला रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा कलर आ रहा है। ठीक है, इस तरह वो हेलिंग ब्रश टूल यूज़ करके आप पूरा कलर को पहले जैसा कर सकते हो। ये देखिए ये कलर को मैंने फिर दोबारा वापस ले लिया। ये देखिए कलर आ गया है। अभी इनका मुंह पे जो चेहरा का जो कलर है इसका और भी थोड़ा सा ग्लोसी करना है तो इसके लिए ये वाला जो टूल्स है ये आई ड्रॉपर टूल, ये आई ड्रॉपर टूल के ऊपर हम क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे इसका जो चेहरे हैं ये गालों पर मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद ये देखिए ये कलर आ गया। अभी ब्रश को हम चुन लेंगे, ब्रश के ऊपर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो परसेंटेज है 15%, इस परसेंटेज को और थोड़ा सा मैंने स्लस्ट कर दूंगा, ये 12-10% कर दूंगा। ठीक है, और फॉलो को 19% ही रहने दीजिए और मोड नॉर्मल रहने दीजिए। अभी क्या करना है, अभी इसका चेहरे के ऊपर हम ये लेफ्ट क्लिक लेफ्ट वाला माउस को दबा के रख के इसको थोड़ा सा मैं यहाँ पे रबिंग कर रहा हूँ। ये देखिए इसका चेहरे का कलर बदल जाएगा। ये देखिए थोड़ा सा ग्लॉसी हो रहा है। ठीक है, अब पूरा फोटो का पहले से पहले कैसे था और ये सब क्लियर करने के बाद कैसे हुआ आप देखते रहिएगा। ठीक है, ये देखिए चेहरे का ऊपर मैं रबिंग कर रहा हूँ। ये देखिए फ़ोटो का कलर क्वालिटी कैसे अच्छे आ रहे हैं। इसका चेहरे पे कितना स्पॉट था ये स्पॉट भी अभी मालूम नहीं पड़ रहा है कि कहाँ पे इसका स्पॉट था। ये देखिए सब क्लियर हो गया। ठीक है, अभी जो करना है इनका बालों का कलर बिल्कुल काला करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है आपको यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद नीचे जो बार्न टूल है इसके ऊपर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये बालों का कलर मैं पहले जैसा कर दूँगा। ठीक है, ये देखिए बिल्कुल काला हो रहा है जैसे गोदरेज लगाने के बाद होता है। ये देखिए ये पूरा कलर चेंज हो रहा है। ठीक है, अब भी इस तरह कलर को पूरा ब्लैक कर सकते हो इसका बालों का जो कलर है। ये देखिए ये पूरा कलर ब्लैक हो गया है। अभी इनका जो ये है आईब्रो का कलर, ये कलर भी हम ब्लैक कर देंगे। ये देखिए ये कलर भी ब्लैक हो जाएगी। ठीक है, इस तरह आप टूल्स इस्तेमाल करके किसी भी कस्टमर का फ़ोटो आप अच्छे से बना सकते हो। ठीक है, ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है इसलिए आपको जल्दबाजी से मैंने दिखा रहा हूँ, या तो फिर ये फ़ोटो को हम ऐसे बनाता कि देखने के बाद ही आप लोगों को पता चल जाएगी कि कैसे फ़ोटो बनाना है। चलो ये थोड़ा सा और भी यहाँ पे क्लिक करना है क्योंकि देखिए यहाँ पे हड्डियाँ दिखा जा रहे हैं, तो ये हड्डियाँ को कैसे मिटाना है या देख लीजिए। ये इसके ऊपर आई ड्रॉपर टूल का ऊपर क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये कलर को मैंने यहाँ से ले लूँगा ये कलर। फिर ये ब्रश टूल को हम ले लेंगे। ब्रश टूल को लेने के बाद यहाँ पे हम रबिंग करेंगे। ये देखिए इनका जो चेहरे का जो ये थ्रॉट में जो ये हड्डी का निशान था ये मिट जाएगा। अभी आप देखते रहिए।
ठीक है। अगर ये जल्दी से करना चाहते हो तो ये फॉलो को थोड़ा सा बढ़ाना है, ये 10 था अभी 16 कर दिया, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, ये देखिए ठीक है, पूरा कलर को ऐसा रबिंग करके आप चेंज कर दीजिएगा। अभी कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया, ठीक है। कंट्रोल एस, कंट्रोल एस करके इसको सेव कर दिया। बस अभी क्या करना है, अभी इमेज पर जाना है, एडजस्टमेंट पर जाना है, सिलेक्टिव कलर पर जाना है, सिलेक्टिव कलर पे जाके इमेज एडजस्टमेंट सिलेक्टिव कलर, उसके बाद इसको रेड को हम ब्लैक कर देंगे। ब्लैक करने के बाद ये ब्लैक को थोड़ा सा हम बढ़ा देंगे, ये देखिए बालों का कलर और भी काला हो रहा है, ठीक है। अगर ये जो साड़ी का कलर है वो भी थोड़ा सा डीप करना चाहते हो तो रेड सिलेक्ट करना है और इसको बढ़ाना है, ये देखिए साड़ी का कलर देखिए किस तरह बढ़ रहा है, ये देखिए ठीक है, साड़ी का कलर भी बढ़ गया है। अभी फिर क्या करना है, इमेज पे जाके एडजस्टमेंट पर जाना है, ब्राइटनेस कंट्रास्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है और कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाना है, ठीक है। कंट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ा दिया और ब्राइटनेस वही रहने दीजिए। अभी कंट्रोल बी दबा दीजिए, अपने कीबोर्ड से कंट्रोल और बी दबा दीजिए और जो येलो कलर है येलो कलर को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है। मेजेंडा को थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब बढ़ाते रहोगे तो बढ़ जाएगा, ये देखिए येलो कलर बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। रेड को अगर बढ़ाना चाहता हो तो ये देखिए यहाँ से आपको करना है, तो ये 15 15 16 करके मैंने बढ़ा दिया। अगर ये तो सेव हो गया कलर फोटो, अगर इस फोटो को आप पूरा ब्लैक एंड व्हाइट करना चाहते हो तो कंट्रोल यू दबाना है, कंट्रोल यू अपने कीबोर्ड से, और मिडिल में दो जो देखिए सेचुरेशन है इसको तो पूरा ये लास्ट तक लाइए, ये देखिए ये फोटो ब्लैक एंड व्हाइट हो गया है, ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट नहीं करूँगा, ये कलर ही रहने दीजिए, बस हो गया। अभी आपको दिखाता हूँ इस फोटो का पहले कैसे था चेहरा और अभी कैसे क्या हुआ, देखिए ये देखिए ये जो टूल है हिस्ट्री ब्रास टूल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये फोटो पहले कैसे था अभी कैसे हुआ देख लीजिए, ये देखिए हिस्ट्री ब्रास टूल देकर मैंने ये फोटो को पूरा पहले जैसे था ऐसे कर दिया, अभी कैसे क्या हुआ देखिए, ये देखिए फ़ोटो बनाने के बाद ऐसा हुआ और बनाने से पहले ऐसे हुआ, ये देखिए। अब भी इस तरह फ़ोटो को अच्छे से बना के फोटोशॉप से आप अच्छे खासे पैसा कमा सकते हो। अभी इस फ़ोटो को आपको प्रिंट आउट करना है तो आप अपने कंप्यूटर पे एक पेज खोल लीजिए, ठीक है। मैं एक A4 पेज पहले से रेडी करके रखा हूँ, आप भी इस तरह एक फ़ोटो को ये पेज को रेडी करके रखिएगा, डी ड्राइव या तो फिर आप फाइल में जाइए, फाइल में जाके न्यू पेज ओपन करना है और यहाँ पे जो A4 है A4 सिलेक्ट कर दीजिएगा, और A4 सिलेक्ट हो गया, अभी फ़ोटो को आप यहाँ पे एक एक करके अपने हिसाब से ऑल्ट ऑल्ट बटन दबा के रखिए और अपने माउस का जो लेफ़्ट क्लिक है लेफ़्ट क्लिक दबा के रखिए और इस तरह ये फ़ोटो को एक एक करके आप जितने मर्जी उतना फ़ोटो आप यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। इस तरह फोटो बनाने के बाद ये देखिए ये तो हो गया। अभी ये पूरा फोटो को हम कंट्रोल ई दबा के सिलेक्ट कर सकते हो, कंट्रोल ई ये देखिए कंट्रोल ई दबा दिया तो पूरा फोटो सिलेक्ट हो गया। अभी इस फोटो से फिर मैंने उसी तरह और फोटो बनाना चाहता हूँ तो ऑल्ट बटन दबाने के बाद माउस का लेफ्ट क्लिक दबा दिया, फिर ये देखिए इस तरह फोटो आप बना के प्रिंट आउट निकाल सकते हो। अभी क्या करना, प्रिंट में फाइल में जाके प्रिंट, ये देखिए आपका प्रिंट वाला ऑप्शन, प्रिंट में जाके आपका जो भी प्रिंटर सिलेक्टेड है वो प्रिंटर सिलेक्ट करके ओके कर दोगे तो ये फ़ोटो प्रिंट हो जाएगा। तो दोस्तों
अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज का वीडियो यहीं तक।